नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। नित्य पूजा में याद रखिए इन नियमों को। अगर आप रोज पूजा पाठ करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी भगवान से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें, आइए जानते हैं। शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को हर रोज जल छिड़क के पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। दुर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।